हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति और यहाँ पे मैंने ये जो मूंग दाल के डोसे होते हैं, तेलुगु में पेसरट्टू बोलते हैं, वो बनाया है एंड टमाटो चटनी बनाई है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं एंड इनको 24 घंटे इतने कॉल्स आते हैं। अभी सुबह का टाइम है तो जगन जी जो है ऑफिस आ रहे होते हैं तो उसके अपडेट्स जो है लेके उनको ट्रांसफ़र करते रहना पड़ता है। एंड नाउ मैं नहा चुकी हूँ एंड स्विमिंग से आ चुकी हूँ। सुबह के बाद फिर मैंने शूटिंग नहीं करी तो वहाँ से आते ही जो है याद से मैं सीरम लगा रही हूँ। ये वाली जो सीरम का बॉटल है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है क्योंकि अभी ऊपर का पंप दबाने से भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं खोल के थोड़ा सा ले रही हूँ। थोड़ा सा ही बचा है, मे भी 2-3 दिन और आएगा। तो ज़्यादा नहीं लेना होता है आपको, 3 या 4 ड्रॉप्स लेके उसको अपने हाथ में बराबर से पूरा स्प्रेड करके उसके बाद हेयर में लगा लेने से जो रफनेस है वो चली जाती है एंड मैनेजेबल हो जाते हैं हेयर। एंड जब मैं नहीं लगाती हूँ तब हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अभी मैं लगा चुकी हूँ एंड ये वाली कोम से काफ़ी अच्छी जो है कंघी हो जाती है, चिप्पी है राउंड वाली। एंड आदित्य और अभिषेक दोनों टीवी देख रहे हैं, कुछ कार्टून पोकोयो लगा रखा है, कुछ लगा रखा है। अभिषेक मेरे पीछे है वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड सी अभी देख रहे हैं कि आप एकदम स्ट्रेट है हेयर, तो जब प्रॉपरली केयर ली जाती है तब कोई भी चीज़ सही रहती है, जब नहीं रह लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे सीरम के बारे में इसलिए मैंने बता दिया। एंड चाहिए तो आप ले भी सकते हैं सेम सीरम, लॉरियल का है वो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है। और यहाँ पे अभी मैं अपने बालों के साथ खेल रही हूँ, कैमरा के साथ खेल रही हूँ। देखो वो जैसे ही मैं बाल छोड़ रही होती हूँ या अलग एंगल लेती हूँ तो फेस पे एक जो है चमक सी आ रही है, मैजिक हो रहा है। तो अभी फ़ोन से ज़रा मैजिक हो रहा था, इस नए वाले फ़ोन से, तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है, इसलिए मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी। देखो क्लैरिटी अच्छी है ना फ़ोन की, अभी दिख रहा है ओरिजिनली फेस जैसा होता है वैसा दिख रहा है, अदरवाइज तो रंग बिरंगा दिखता रहता था हमेशा। अभी क्या बोलते, स्विमिंग से अभी अभी आई हूँ मैं एंड यहाँ पे कल सुबह बैटरी ख़त्म हो रही है, कल सुबह इडली डालने के लिए दाल भिगो के रखी है एंड सूजी भिगो के रखी है। एंड और क्या है, आदित्य को बोल रहा था आम खाना है तो कुछ 3 आम जो है कच्चे थे तो मैंने 2 दिन से बाहर रखा है इनको, मैंगो कच्चे थे तो पक चुके हैं इसलिए काट के दे देती हूँ मैं उसको। एंड बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपका वेट लॉस कितना हुआ है, मैंने चेक ही नहीं किया है क्योंकि वेट लॉस अगर नहीं हुआ था तो डीमोटिवेशन आ जाता है। मतलब वेट लॉस जब आप प्रोसेस में हो तो क्या नाम है उनका, रुजुता गुप्ता है जो करीना कपूर की डाइटिशियन है, जो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप वेट लॉस करें तो आप अपना वेट बिल्कुल ना चेक करें क्योंकि आप एक एक्सपेक्टेशन में आज पहली बार दिन पहले दिन चेक करोगे वेट और उसके बाद कुछ दिन के बाद चेक करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि इतना केजी कम हो गया होगा, लेकिन जब आप मिशन पे देखोगे कि कुछ कम नहीं हुआ है या बहुत बहुत हल्का सा कम हुआ है तब और डीमोटिवेशन आएगा कि इतनी मेहनत का इतना सा फल। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है अब कि जब तक आप शीशे में देख रहे हो अपने आप को एंड जब तक आपका मनचाहा फिगर नहीं आ जाता है तब तक वेट चेक ही ना करो, क्योंकि वेट चेक करके क्या फ़ायदा है जब फिगर में कोई चेंज ही नहीं है। कभी बोलते हैं मसल लॉस हो रही है, कभी बोलते हैं बोन वेट लॉस हो रहा है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन कब होगा पता नहीं। मैं पहले मैंगो काट लेती हूँ।
कभी ऐसे शेड्स आ रहे हैं और जो मैजिक वाली चीज़ हो रही है, तब मुझे लग रहा है कि कहीं हाइलाइटर तो नहीं लगाया, ऐसा वाला लुक आ रहा है। तो मैं हमेशा जो है बच्चों के लिए ऐसे काटती हूँ ताकि खाने में ईजी रहे और जो छिलके विलके हैं वो बीच में ना आए। एंड अनदर थिंग, जब हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाने के साथ में खाते हैं तब लंबे लंबे पीस काटती हूँ। ये लो ये देखो, वेट कर रहा था कि कब दूँ मैं उसको। एंड गुठली है जो, वो मैं चट कर लेती हूँ थोड़ी। बचपन में सब लोग बोलते थे कि स्वाति जो है आम की गुठली है ना पूरा पेंट मार देती है, एकदम बिल्कुल भी उसमें रस नहीं देती, रहने देती है। बचपन में मुझे इतने ज़्यादा पसंद थे कि सीज़न का मैं वेट कर, जैसे अभी मेरे हस्बैंड क्रेज़ी रहते हैं ना आम के लिए, वैसे था। अब हम बूढ़े बड़े बूढ़े हो गए हैं तो उतना क्रेज़ नहीं है, होता है खाते को। अभी जैसे उसको काट के दिया तो गुठली बची है, क्योंकि आधी से जब खाता है ना पूरा टपका लेता है ऊपर, इसलिए ये मैं खा रही हूँ। अच्छा है, लास्ट दो आम बचे, ये असली वाले आम थे और वो जो बड़े बड़े वाले होते हैं। बाकी अभी मार्केट में भी छोटे छोटे जो जूस वाले होते हैं ना वही आ रहे हैं। तो अभिषेक जो है मेरी सेवा कर रहा है, बोल रहा था मम्मी दबाओ क्या कर रहे हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, बिना बोले ये दबाए जा रहा है क्योंकि मैं इसी पोजीशन में लेटी थी। पहले तो उसने जो घोड़ा घोड़ा खेला मेरे ऊपर एंड अभी वन टू कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा दाल जो है वो ग्राइंडर में डाल देती हूँ। सुबह जो है इडली अच्छी बनेगी उससे। अगर रात को नहीं पीस के आप सुबह डायरेक्ट पीस के बनाते हो तो फिर उतना सॉफ्ट नहीं आता है, क्योंकि उसको फ्लफ होने का जो है स्पेस भी मिलना चाहिए ना, इसलिए। तो दाल भी अच्छी तरह फूल चुकी है, मैंने दोपहर के टाइम पे भिगाया था मैंने, ये देखो। एंड रेशियो इसका जो रवा का और इसका रेशियो पूछते हैं, उसका रेशियो है 1:3.5:4। मतलब अगर आप ग्राइंडर में डाल रहे हो तो आप 4 डाल सकते हो रवा की, जो रवा का जो रेशियो है, लेकिन अगर आप मिक्सी में डाल रहे हो तो यू शुड ओनली टेक रेशियो ऑफ 3:1। तो पहले मैंने ग्राइंडर की साउंड भी रखी थी लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होती है, क्योंकि ग्राइंडर के अंदर पत्थर घूमता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, इसलिए मैंने फिर साउंड हटा दी इसकी। एंड ग्राइंडर में पीसने से इडली हो चाहे डोसे हो बहुत अच्छी तरह पीसते हैं और उसमें बहुत अच्छी तरह क्या बोलते हैं फ्लफ़ी हो जाता है। वही आप मिक्सी में पीसेंगे तो उतना ज़्यादा फ्लफ़ीनेस नहीं आता है दाल में। तो मैं अभी यहाँ डाल रही हूँ।
ये ओनली ये है कि ग्राइंडर जब आप यूज़ करते हैं थोड़ा सा क्लीनिंग का प्रोसेस वो सब ज़्यादा होता है, जग को साफ़ करना इजी होता है, लेकिन ग्राइंडर में सारे पत्थर वत्थर सब निकाल के साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट आप एक ही बारी में ज़्यादा पीस के भी रख सकते हैं, आपको 2-3 दिन भी चल जाएगा। मेरे को मैक्सिमम जो भी मैं दाल पीसती हूँ एक छोटा ग्लास लेती हूँ, 2 दिन तक चलता है। एक दिन इडली डालती हूँ और नेक्स्ट दिन उसी से उत्तपम या डोसे डाल देती हूँ, तो ऐसे 2 दिन का टिफ़िन का झंझट नहीं रहता है। सो वाइड एंगल में आप हॉल देखिए, तब आपको पूरा लुक पता चलेगा। पहले ऐसे कभी भी दिखाई नहीं दिया कैमरा में, कितना अच्छा लग रहा है ऐसे देखने में। पूरा पहले या तो एक्वेरियम कवर होता था या तो एक साइड कवर होता था, अभी पूरा कवर हो रहा है। तो मैंने लाइट भी जला दी है, थोड़ी अच्छा लग रहा है अभी। यस, एंड वो देखो अभिषेक वहाँ पे है, एंड आदित्य ने अभी अभी अपना जो है होमवर्क फिनिश किया है या वेट कमिंग। तो उसका टास्क था कि फैमिली पिक चिपकानी है, तो उसने जो है बहुत ही लाइन से बहुत ही ब्यूटीफुली एंड नीटली फैमिली पिक को चिपका दिया है। इसके ऊपर हम चारों की फ़ोटो चिपका दिए। तो मैंने स्विमिंग में जाते टाइम जो है मैं सब कुछ निकाल देती हूँ, ज्वेलरी कुछ आड़े आए और सोने का जो पहना हुआ है, ये तो सोने का नहीं है, तो चेन और चूड़ियाँ पहनी थी कल परसों मैंने, वो भी निकाल दी। फिर बाद में घर आके पहन लेती हूँ, तो जब तक नहीं पहनती कुछ सोना सोना सा लगता है कि नहीं। जब मैं पहनती हूँ बिंदी लगाती हूँ तब मेरे को लगता है कि अब मैं कंप्लीट हूँ। शादी से पहले मैंने कभी बिंदी नहीं लगाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता था स्पेसिफिकली, लेकिन अब ऐसी आदत पड़ी है कि नहीं लगाओ तो पता नहीं अजीब सा लगता है। एंड जो मेरे को इस वाले फ़ोन के साथ जो फ्री आया था बैग, लेट मी सी दिस नाउ। एंड कपड़े फोल्ड करने हैं थोड़े, ओके अच्छा बैग ये। एंड इसके साथ व्हील्स भी दिए हैं यार, फुल भी कर सकते हैं इसको, फुल करने के लिए। हाँ एक कर बट को, हाँ ये बट को तीस के अलग कर दो, इधर तीस के लिए। बस 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 ओके। तो अच्छी साइज़ का ही बैग है, छोटा सा, जैसे स्विमिंग के लिए भी लेके जा सकते हो ऑलरेडी, जैसा मैं बैग लेके जाती हूँ। इसमें व्हील्स भी है तो काम आ जाएगा, अच्छा बैग है। लेकिन जब पैक था तो बहुत ही छोटू सा लग रहा था, इतना सा दिख रहा था बिल्कुल। तो मैं सोच रही थी किस टाइप का बैग है करके, तो इसको भी रख देते हैं और कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, कपड़े फोल्डिंग। सो अभी कपड़े फोल्ड करना शुरू किया है मैंने, एंड अभिषेक जो है हमेशा आदित्य के शूज़ पहन लेता है। मैं कितनी बार बोलती हूँ आदित्य, एक्चुअली नए शूज़ है ये, तो वो जो है कुछ ज़्यादा ही केयरिंग हो गया है शूज़ के प्रति। एंड बाहर रखने के लिए बोलने से बाहर भी नहीं रखता है, एंड अंदर रहता है तो अभिषेक पहन के मैं पुलिस करके बोलता रहता है, मतलब जूते पहनने से पुलिस बन जाते हैं। लेकिन अभिषेक मुझे कपड़े फोल्ड करने बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, बार बार जो मैं बिछा रही थी वहाँ पे उसके ऊपर आके कूद रहा था। एंड इसी दौरान जो है ये भी ऑफिस से आ गए, एंड साथ साथ जो है मटन बिरयानी लेके आए, क्योंकि ऑफिस में इनके कलीग का बेटा पैदा हुआ था, उन्होंने पार्टी दी थी, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा लेके आ गए। एंड नाउ दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह का टाइम है, मैं बिल्कुल मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कि बात कर पाऊँ, ओनली वीडियो निकाल के इसलिए वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में जो है अगर बात करनी शुरू कर दी ना तो सारे काम लेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले दूध मैंने एक इसमें डाल दिया है, 3 पैकेट इसमें डाल दिए हैं। अभी मैं एक और बर्तन रखूँगी जिसमें 1 ग्लास करीबन मैं दूध डालूँगी, ताकि वो जल्दी से मैं उसको फुल गैस पे गर्म कर दूँ। वो इसलिए क्योंकि आज उठने में थोड़ा लेट हो गया, एंड दूध फटाफट से गर्म करके आदित्य को देना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने फटाफट से राइस भी निकाल लिया है ताकि मैं राइस कुकर में रख दूँ, और यहाँ पे दूध भी उबल चुका है जो अभी मैं ठंडा करके आदित्य को दे दूँगी। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, अगर टाइम हो रहा है तो एक छोटे पतीले में जितना बच्चे दूध पीते हैं
उतना गर्म करके सेपरेटली, क्योंकि जल्दी हो जाता है। ज़्यादा दूध को आप ऐसे फुल गैस पे कभी कभी पकाने से क्या होता है, उसका तला जो है जल जाता है, फिर दूध में बेशक दूध फटे ना, लेकिन उसमें जलने वाली स्मेल आ जाती है, इसलिए सिम में ही पकना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइस ले लिया है, उसको मैं अच्छी तरह दो बार हर रोज़ धोती हूँ, एवरी टाइम, मतलब जब भी मैं राइस रखती हूँ उसको प्रॉपरली धोने के बाद दो ग्लास के हिसाब से तीन ग्लास आपको उसमें वाटर डाल लेना है। एंड राइस कुकर में मैंने रख दिया है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप राइस कुकर में ना यूज़ करके डायरेक्टली ऐसे जो पानी स्टार्च निकाल देते हैं ना, वैसा करा करो, लेकिन वैसे मैंने कभी किया नहीं है, इतने अच्छे से मुझे आता नहीं है, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। एंड ये मेरी न्यू वाली मेड है, ऑलरेडी थोड़े एक हफ्ते से आ ही रही है, तो मैंने सोचा मिलवाते हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता था, क्योंकि जब मैं खाना बना रही होती हूँ तभी 7 बजे के आसपास ये आ जाती हैं, और मैं 6 बजे से उठ के जो है सारा खाना वाना बनाती रहती हूँ। जब तक वो आती है मेरा खाना मैक्सिमम बन जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला था आज थोड़ा लेट हो गया है, तो उस वजह से अभी खाना बन ही रहा है। एंड जब भी मैं शूट कर रही होती हूँ तो कुंदरू की बारी आ जाती है, क्योंकि कल परसों मैंने अलग अलग फ्राई बनाए थे, तब मैंने शूट नहीं किया, एंड अब जब शूट कर रही हूँ तो दोबारा कुंदरू की बारी आ चुकी है। तो जैसे मैंने बताया था, मैक्सिमम में मैं आदित्य को फ्राइज टाइप ही देती हूँ बॉक्स में, क्योंकि दाल जो है फीकी हो जाती है, अलग से मिला के खाने वाले के लिए तो ठीक है, लेकिन हम जब मिक्स करके रखते हैं ना तो उसमें थोड़ा फीकापन आ जाता है, लेकिन फ्राई का क्या है, क्योंकि ऑयल के साथ हम लोग बनाते हैं तो उसमें फीकेपन का उतना प्रॉब्लम नहीं रहता है, एंड टेस्ट भी अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे दूध देखो अभी भी सिम पे बॉयल हो ही रहा है, एंड मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है फ्राई के लिए। तो मेरे नॉन स्टिक पैन में सोचती हूँ निकालूँ, उनको ज्वाइन करना है, हैंडल वैंडल वो मैंने किया नहीं है। कुछ भी यूज़ करो, सब कुछ, ये मत यूज़ करो वो मत यूज़ करो करके बोलते रहते हैं, सजेशन सही हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते ही रहते हैं, एंड आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों में बनाने की। ओनली स्टील ही यूज़ करना है तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। स्टील भी, जैसे स्टील का आप साइड में बर्तन देख रहे हैं उसमें तो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इन चीज़ों के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। बर्तनों के मामले में मैं बहुत आलसी हूँ, जल्दी से नए वाले निकालती नहीं हूँ। एंड यहाँ पर मैंने अभी हल्दी, नमक एंड जो लाल मिर्ची पाउडर है वो डाल दिया है। पहले कितना ज़्यादा वॉल्यूम था देखिए इसका, अभी पकने के बाद कुंदरू बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, एंड कुंदरू फ्राई मैक्सिमम हो चुका है, बस उतारना है। एंड जो मैंने कल पीसा था इडली के लिए बैटर, आदित्य को इडली बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे उसके लिए डोसा डालना पड़ता है, तो पैन मैंने वहाँ रख दिया है। एंड पोचा भी लगाने के लिए, इनका नाम है कृपावती, तो पोचा भी मैक्सिमम लग ही चुका है, तो मैं भी देखती रहती हूँ, बीच में राउंड भी मारती रहती हूँ, क्योंकि हम देखते नहीं हैं तो फिर कहीं कहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ रिवर्स में मैंने ज़रा थोड़ी सी क्लिपिंग ऐड करी, अच्छी लगी ना। एंड यहाँ पे डोसा डाल रही हूँ मैं उसी के साथ, इडली बैटर के साथ। तो आप इडली बैटर से डोसा भी डाल सकते हैं एंड इडली भी डाल सकते हैं, लेकिन डोसा बैटर से आप दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डोसा बैटर को आप इडली के रूप में डालेंगे तो इडली बहुत पत्थर जैसी आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा आयरन का तवा है, लेकिन बिल्कुल चिपकता नहीं है, बिकॉज़ आप रेगुलरली यूज़ करेंगे और मेंटेन रखेंगे तो ये भी नॉनस्टिक वाला ही काम करता है, प्लस नॉनस्टिक से हेल्थ वाइज भी अच्छा है। तो ये आदित्य का टिफ़िन बॉक्स, उसका बास्केट पैक हो चुका है, तो इसके लिए सुबह जो है भागा दौड़ी चलती रहती है। एंड रात को ये ओपन करके रखा था क्योंकि गम लगाया था इस पर, वो स्टिक वाला नहीं लगाया था उसने, तो अगर क्लोज़ कर देंगे तो फिर पेपर चिपक जाते करके मैंने ओपन करके रखने के लिए बोला था। एंड आदित्य अभी स्कूल जा चुका है, एंड हम लोग की बारी हो चुकी है चाय पीने की। तो जब आदित्य स्कूल चला जाता है उसी के बाद हम लोग थोड़ा इत्मीनान से बैठ के चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम इज़ अ वेरी हरी बरी वन, तो भागा दौड़ी में मज़ा नहीं आता चाय पीने का। एंड सुबह का टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ मिलके बात कर सकते हैं चाय पीते पीते, तो आपको और आपके पार्टनर को हमेशा एक दूसरे के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, लोगों के पास अगर स्पेयर टाइम भी होता है लेकिन वो अपने पार्टनर के साथ ना शेयर करते हुए फ़ोन में शेयर करते हैं। तो यू हैव टू कीप सम रूल्स एंड रेगुलेशन दैट व्हेन हाउ वेयर टू यूज़ फ़ोन्स, ताकि आपकी जो है लाइफ एंड रिलेशनशिप बेटर से बेटर होता रहे।
तो यही था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि पसंद आया होगा डेफिनेटली। तो फिर देर किस बात के, एक लाइक चिपका दीजिए एंड इन दोनों वीडियो को भी देख लीजिए, मेरी वेबसाइट को भी देख लीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड वीडियोज़ को शेयर कीजिए एंड अपने जो भी ओपिनियंस हैं उनको कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। थैंक यू, बाय बाय।